हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल द स्टडी जोन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेंस के बारे में, लेंस क्या होता है और लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाली बटन दबाएं तथा आल पर क्लिक कर दें। और दोस्तों, इसके साथ ही वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, लेंस की बात करें, आप घड़ी की दुकान पे गए होंगे और वहां पे देखे होंगे घड़ी बनाते वक्त जो मिस्त्री होता है वह है एक छोटे से कांच की सहायता लेता है जिसे आंखों में लगाता है और उसके बाद में घड़ी को ठीक करता है। आपने सोचा है कि वह क्या होती है जिसे वह आंखों में लगाता है और घड़ी को देखता है, वह ऐसी क्या चीज है, वो कौन सी वस्तु है? आपके दिमाग में ऐसा सवाल आया होगा। तो दोस्त, वह जो वस्तु है जिसे दुकानदार उसकी सहायता से घड़ी को ठीक करता है उस वस्तु को लेंस कहते हैं। और लेंस क्या होता है दोस्तों? दो पृष्ठों से घिरा हुआ ऐसा पारदर्शी माध्यम होता। पारदर्शी माध्यम क्यों होता? क्योंकि हम उसके आर पार देख सकते हैं। तो दो पृष्ठों से घिरा हुआ ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो, लेंस कहलाता है। यानी उसका एक पृष्ठ तो गोलीय हो सकता है या फिर दोनों ही पृष्ठ जो है वो गोलीय हो सकता है, तो वह लेंस कहलाता है। लेंस जो होता है दोस्तों वो दो प्रकार का होता है। एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। अंग्रेजी में इसे कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं और इसे कॉनवे लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस की बात करें, इस प्रकार के लेंस में बीच में से मोटे तथा किनारों पे पतले होते हैं। इस प्रकार का जो लेंस होता है वो बीच में से तो क्या होता है, मोटे होते हैं और किनारों से पतले होते हैं। उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को अभिसारित करता है। ये क्या करता है? प्रकाश की किरणों को अभिसारित। अभिसारित का मतलब दोस्तों किसी एक बिंदु पर इन सभी प्रकाश किरणों को इकट्ठा करता है। आपने एक प्रयोग देखा होगा, एक छोटा सा लेंस आता है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, धूप में कागज को जलाते हैं, देखा होगा आपने। तो जब हम उस कागज पे उस लेंस को रखते हैं तो सूर्य की जो प्रकाश किरणें हैं आप देखते होंगे कागज के किसी एक बिंदु पर सारी प्रकाश किरणें क्या होते हैं, अभिसारित होती हैं। तो वह क्या हो लेंस होता है, वह उत्तल लेंस होता है दोस्तों। तो उत्तल लेंस क्या होता है कि बीच में तो मोटे होते हैं और किनारों से पतले होते हैं। और ये क्या करते हैं, प्रकाश किरणों को अभिसारित करता है ये। इसलिए इस उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अभिसारी लेंस कहते हैं। जैसे कोई प्रकाश किरण आती है इसपे, हैं, ये कोई प्रकाश किरणें हैं इसपे आ रही है, तो ये क्या करता है, लेंस के पीछे कोई एक बिंदु होता है वहां पे प्रकाश किरणों को, तो ये क्या करता है कि प्रकाश किरणों को किसी एक बिंदु पर अभिसारित करता है। ये प्रकाश किरणें आती है इसे किसी एक बिंदु पर, ये प्रकाश किरणें जो है वो अभिसारित होती है। तो उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को अभिसारित करता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अब बात करते हैं अवतल लेंस की। इस प्रकार के लेंस में बीच में से पतले तथा किनारों पर मोटे होते हैं, इसे हम अवतल लेंस कहते हैं। चित्र में आप देख रहे होंगे किनारों से मोटा है और बीच में से पतला है, ये बीच में से पतला है, तो ये क्या है, अवतल लेंस है। और इस प्रकार के लेंस को हम क्या कहते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह लेंस जो है प्रकाश किरणों को अपसारित करता है। अपसारित का मतलब है प्रकाश किरणों को फैलाता है। प्रकाश किरणों को क्या करता है, फैलाता है। इसके लिए आप टार्च देखते होंगे, टार्च में जैसे ही आप बटन को स्विच को ऑन करते हैं प्रकाश किरणें उस आती है और चारों तरफ फैल जाती है, तो वो क्या है, अवतल लेंस है। प्रकाश किरणों को ये क्या करता है, फैलाता है। ऐसे प्रकाश किरणें इस पे आती हैं, ये क्या करता है, प्रकाश किरणों को इस तरह फैलाता है।
ये क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैलाता है। तो इसे हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? अपसारी लेंस कहते हैं। तो लेंस जो होता है दो प्रकार का होता है, उत्तल लेंस अवतल लेंस। एक बात और दोस्तों, यह जो लेंस होता है यह है गोलीय, दो गोलों का एक भाग होता है। किस प्रकार आपको बताता हूं, जैसे देखिए यह एक गोला है, यह एक गोला है, तो ये वाला जो क्षेत्र है यही हमारा लेंस होता है। अभी हमने परिभाषा में भी बात किया था कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोली हो। यहाँ पे देखिए इसका एक पृष्ठ गोली है, यह भी एक पृष्ठ गोली है, तो यह लेंस कहलाता है। इस तरह का ये लेंस हो बनता है, इसे हम लेंस कहते हैं। चलिए दोस्तों, लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में बात करते हैं। इसमें पहली परिभाषा है वक्रता केंद्र क्या होता है। तो उत्तल और अवतल लेंस के गोलीय पृष्ठ जिस गोले के भाग होते हैं उस गोले का केंद्र लेंस का वक्रता केंद्र कहलाता है। लेंस का क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं जिसे हम C1 तथा C2 द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो वक्रता केंद्र क्या होता है? उत्तल और अवतल लेंस के गोलीय पृष्ठ जिस गोले के भाग होते हैं। ये देखिए इस प्रकार लेंस बनता है, यह एक गोला है, ठीक है, इस प्रकार एक दूसरा गोला है। तो इस गोले का जो केंद्र होगा वो होगा C1 और इस गोले का जो केंद्र होगा वो होगा C2 और बीच में हमारा लेंस है। तो उत्तल व अवतल लेंस के गोलीय पृष्ठ जिस गोले के भाग होते हैं, इसका गोलीय पृष्ठ एक तो ये वाला गोलीय पृष्ठ और एक ये वाला गोलीय पृष्ठ, यह जिस गोले का भाग है उस गोले का केंद्र यानी C1 और C2 लेंस का क्या कहलाएंगे? वक्रता केंद्र कहलाएंगे। इसी प्रकार अवतल लेंस में भी होता है, यह गोला इस प्रकार होता है और यह इस प्रकार दूसरा गोला होता है। तो लेंस इस प्रकार का होता है, इसका जो केंद्र होगा C1 और C2 यह इस लेंस का क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाएगा। तो यह लेंस को इस तरीके से अगर देखें तो यह C1 और C2 इस लेंस का क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाएगा। और यह कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है और यह अवतल लेंस है। इसमें देखिए यह C1 और C2 जो है इस लेंस का वक्रता केंद्र कहलाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको वक्रता केंद्र समझ में आ गया हो। अगली परिभाषा की बात करें तो अगली परिभाषा है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल अक्ष क्या होता है। लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों, लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है। यह हमारा उत्तल लेंस है, ठीक है, यह क्या है? उत्तल लेंस है। इसी प्रकार यह क्या है? अवतल लेंस है, ठीक है। तो लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों की वक्रता केंद्र, यह गोलीय पृष्ठ है यह और यह जो है गोलीय पृष्ठ है, तो इस गोलीय पृष्ठ का वक्रता केंद्र और इस गोलीय पृष्ठ का वक्रता केंद्र, इसका तो C2 होगा और इसका C1 होगा, ठीक। तो लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा या एक काल्पनिक सीधी रेखा जो खींची गई है, इसे हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? मुख्य अक्ष कहते हैं। इसी प्रकार यहां पे भी C1 होगा और ये C2 होगा और यह जो काल्पनिक रेखा गई है यह क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष कहलाएगी। तो लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा या एक्स, इसे हम एक नाम देते हैं x और x डैश, x और x डैश, y और y डैश, यह जो रेखा है काल्पनिक या क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष कहलाएगी। अगली परिभाषा है प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। तो लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित
वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है और इसे ओ से निरूपित करते हैं। यह उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? यह उत्तल लेंस। ठीक है, तो कह रहा है कि लेंस के मुख्य अक्ष पर, हमने अभी बात किया कि लेंस के केंद्र वक्रता केंद्र गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्र C1 तथा C2 से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा, यह जो काल्पनिक रेखा है x और x डैश, यह काल्पनिक रेखा जो है यह मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? यह मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, यह मुख्य अक्ष कहलाती है। तो कह रहा है कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, अब इस मुख्य अक्ष पर कोई ऐसा बिंदु स्थित होता है जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, क्या होता है कि जिस पर कोई प्रकाश की किरणें आपतित होती है तो वह प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात, क्या होता है, अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। मान लीजिए कोई प्रकाश की किरणें इस प्रकार आ रही है, ठीक है, आती है और यहां से वह बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। यह कोई प्रकाश किरण है और यहां पर आपतित हुई और यहां से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, तो यह बिंदु जो होगा इस बिंदु को हम ओ नाम से निरूपित करेंगे और यह बिंदु जो है इस बिंदु को हम क्या कहेंगे? प्रकाशिक केंद्र कहलाएंगे। यह बिंदु जो है वह क्या कहलाएगी? प्रकाशिक केंद्र कहलाएगी, क्योंकि इस बिंदु पर जो भी प्रकाश किरण आपतित होती है वह बिना विचलित हुए अपवर्तन के पक्षात सीधा निकल जाती है, विचलित नहीं होती है, तो इस बिंदु को हम क्या कहेंगे? प्रकाशिक केंद्र कहेंगे। अगली परिभाषा है द्वारक। द्वारक क्या होता है? तो लेंस के अर्धवृत्ताकार सिरों के व्यास को लेंस का द्वारक कहते हैं। लेंस के जो अर्धवृत्ताकार सिर होते हैं, जैसे इस प्रकार का यह अर्धवृत्ताकार सिर है, ठीक है, इसी प्रकार एक और मान लेते हैं यह, तो यह अर्धवृत्ताकार जो सिर है, ये वाला भाग और ये वाला भाग, ये दोनों जो हैं लेंस के क्या कहलाते हैं? ये अर्धवृत्ताकार सिर है। तो लेंस के अर्धवृत्ताकार सिरों को, इनका जो व्यास होता है ये AB, ये व्यास है, तो इस व्यास को हम लेंस का द्वारक कहते हैं। ठीक है, अगली परिभाषा है मुख्य फोकस अथवा फोकस क्या होता है। तो लेंस के दो फोकस होते हैं, पहला प्रथम फोकस जिसे हम F1 से प्रदर्शित करते हैं और द्वितीय जिसे हम F2 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब उत्तल लेंस की बात करें तो हम जहां पे उत्तल लेंस बनाते हैं, उत्तल लेंस है, ठीक है, यहां पे हमने उत्तल लेंस बना दिया, तो उत्तल लेंस का यह मुख्य अक्ष है एक्स और एक्स डैश। ठीक, उत्तल लेंस का यह मुख्य अक्ष है। इस मुख्य अक्ष के समांतर बहुत सी प्रकाश किरणें क्या होती है? आपतित होती है। यहां पे देखिए ये प्रकाश किरणें इस पर आपतित हो रही है, इस प्रकार प्रकाश किरणें जो है लेंस पर आपतित होती है, तो ये किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर क्या होती है? अभिसारित का मतलब होता है एकत्रित होती, यानी इकट्ठा होती है ये सारी प्रकाश किरणें जो है मुख्य अक्ष पर। एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर ये प्रकाश किरणें जो होती है अभिसारित यानी इकट्ठा होती है, तो मुख्य अक्ष पर यह जो बिंदु होता है इस बिंदु को हम लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। जैसे ये प्रकाश किरणें मान लीजिए यहां पर आकर होती है, अभिसारित होती है, ये प्रकाश किरणें जो है यहां पर आकर अभिसारित होती है, यह प्रकाश किरणें जो है वो यहां पर आकर अभिसारित होती है, तो इस बिंदु को हम फोकस कहेंगे, लेंस का मुख्य फोकस कहेंगे। ठीक है, इस बिंदु को हम क्या कहेंगे? लेंस का मुख्य फोकस कहेंगे। ठीक, अब हम लेंस के यदि विपरीत पृष्ठ से प्रकाश किरणों को आपतित कराएं, इस तरफ से अगर प्रकाश किरणें आपतित होती है इस तरीके से, ठीक है, प्रकाश किरणें लेंस की विपरीत पृष्ठ से आपतित होती है, तो यह है
मुख्य अक्ष पर एक बिंदु विपरीत पृष्ठ पर मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर ये जाके अभिसारित होती है, यानी एकत्रित होती है, इकट्ठा होती है। तो इस बिंदु को हम लेंस का मुख्य फोकस कहेंगे। यह बिंदु क्या होगा? लेंस का मुख्य फोकस होगा, और इसे हम F2 के नाम से, इसे F1 के और इसे F2 के नाम से प्रदर्शित करेंगे। यानी पहले पृष्ठ से F1 मुख्य फोकस प्राप्त हुआ और दूसरे पृष्ठ से F2 मुख्य फोकस प्राप्त हुआ। हमने यहाँ पे क्या किया, पृष्ठ को विपरीत कर दिया। पहले इस पृष्ठ से हमने मुख्य फोकस प्राप्त किया, उसके बाद में प्रकाश किरणों को विपरीत पृष्ठ से आपतित करा के दूसरा मुख्य फोकस F2 प्राप्त किया। इसी प्रकार अवतल लेंस पर मुख्य फोकस के समांतर प्रकाश की किरणें आपतित हो रही हैं। बहुत सी प्रकाश किरणें आपतित होती है और ये किरणें हैं लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक बिंदु से अपसारित होती है। अवतल लेंस में क्या होता है, जैसे ये अवतल लेंस है, ठीक है, और यह है इसका मुख्य अक्ष है एक्स और एक्स डैश। तो अवतल लेंस पर क्या होता है कि प्रकाश किरणें जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर आती है इस प्रकार, ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर आती है और अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर अपसारित होती है। अपसारित का मतलब है फैल जाती है, इस तरीके से ये जाती है और इस तरीके से ये फैल जाती है, ठीक है। तो ये प्रकाश किरणें जो तो फैल जाती है मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर। तो यहां से हम लेंस का क्या प्राप्त कर लेते हैं, अगर हम इनको पीछे किसी बिंदु पर प्रदर्शित करें तो हमें एक बिंदु प्राप्त होगा मुख्य अक्ष पर, यहाँ पर, इसे हम F1 नाम देते हैं। यह है लेंस का मुख्य फोकस, प्रथम मुख्य फोकस कहलाएगा। इस प्रकाश किरणों को जब पीछे हम बढ़ाएंगे तो हमें एक मुख्य अक्ष पर एक बिंदु प्राप्त होगा, यह बिंदु क्या है, प्रथम मुख्य फोकस होगा। इसी प्रकार यदि हम विपरीत पृष्ठ से प्रकाश किरणों को आपतित कराएं, अब हम इस तरीके से, इस तरफ से प्रकाश किरणों को आपतित कराते हैं, यह देखिए प्रकाश किरण आएंगे इस प्रकार, ठीक है, और यह इसे फैल जाती है प्रकाश किरण, ठीक है, इस प्रकार आती है और फैल जाती है। अब इस प्रकाश किरणों को अगर हम पीछे मिलाएं, पीछे बढ़ाने पर, तो हमें एक बिंदु प्राप्त होगा, इसे हम F2 दे देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया x और ये x'। अब इस प्रकार हमने विपरीत पृष्ठ से क्या किया, प्रकाश किरणों को आपतित कराया। तो यहाँ पे प्रकाश किरणें जो होती है अपसारित होती है मुख्य अक्ष पर किसी बिंदु पर, प्रकाश किरणें क्या होती है अपसारित होती है, और वही बिंदु जो है उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। अतः हम इस प्रकार कह सकते हैं कि किसी लेंस के दो मुख्य फोकस होते हैं, जिसे हम F1 और F2 द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अगली परिभाषा है फोकस दूरी, फोकस लेंथ क्या होता है। तो लेंस के प्रकाशित केंद्र तथा फोकस के बीच की दूरी को लेंस की फोकस दूरी कहते हैं, और इसे F द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लेंस के प्रकाशित केंद्र तथा फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, लेंस की फोकस दूरी कहते हैं, और इसे F के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह है उत्तल लेंस और यह है अवतल लेंस, ठीक है, यह उत्तल लेंस है और यह अवतल लेंस है। अब क्या होता है, ये जो है X और X डैश, इसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं, यह मुख्य अक्ष है, और यहां पर यह जो बिंदु है O, यह प्रकाशित केंद्र कहलाता है, प्रकाशित केंद्र कहलाता है, ठीक है। इसी प्रकार यहां पर भी होगा प्रकाशित केंद्र, और X और X डैश मुख्य अक्ष कहलाती है, ठीक। अब क्या है कि फोकस दूरी की बात करें तो लेंस के प्रकाशित केंद्र, यह है प्रकाशित केंद्र, ठीक है, तथा फोकस के बीच की दूरी, लेंस के प्रकाशित, यहां पे लेंस का प्रथम फोकस F1 है और यहां पे लेंस का दूसरा फोकस यानी द्वितीय फोकस F2 है। तो लेंस के दो फोकस होते हैं, यहां पे F1 प्रथम फोकस
और यहाँ पे द्वितीय फोकस। तो कह रहा है कि लेंस के प्रकाशित केंद्र तथा फोकस के बीच की दूरी, यानी ये दूरी जो है ये यहां से यहां तक की दूरी, यह क्या कहलाती है? फोकस दूरी। यह क्या कहलाती है? फोकस दूरी। इसी प्रकार यहां से भी इस तरह की दूरी होगी, यह भी फोकस दूरी कहलाएगी। दूसरे फोकस और प्रकाशित केंद्र के बीच की दूरी, यहां पे देखिए आप, यह है दूरी जो है यह फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी यहां पे भी देखिए, यह क्या कहलाएगी? फोकस दूरी कहलाएगी। तो लेंस के प्रकाशित केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं, और इसे एफ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने लेंस के बारे में पढ़ा, लेंस क्या होता है और लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में जाना। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाली बटन दबाएं तथा आल पर क्लिक कर दें। आल पर क्लिक करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि जब आप आल पर क्लिक कर देंगे तो हम जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज द स्टडी जोन को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज हमारे फेसबुक पेज द स्टडी जोन को भी फॉलो कीजिए। वहां पे भी वीडियो आपको मिल जाएंगे। वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको वीडियो लेक्चर के नोट्स चाहिए तो आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, वहां पे आपको हर वीडियो लेक्चर के नोट्स मिल जाएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।